बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को किसी और के लिए जरूर छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ लव रिलेशन में हो, रिश्ते में हो, प्यार करते हो, जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, इन 72 घंटे में उनको लगेगा कि हो सकता है उनका कोई झूठ आपने पकड़ लिया हो, या फिर आपको उनका कोई झूठ की पता चल जाएगा, या फिर आप उनसे इतना परेशान हो, या फिर वो आपको परेशान कर रहा है, या फिर किया था जिसके कारण आप दुखी हो, या फिर वो दुखी है। इन 72 घंटे में वो बहुत दुखी महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि आप उनको बार बार अपमानित करते हो, नीचा दिखाते हो, या फिर वो आपको नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं। तो इन 72 घंटे में उनके पास रिश्तों की क्लैरिटी आएगी, वो दुखी होने के साथ साथ चीज़ों को सही तरह से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो लियो, और आप अपने ईगो के कारण उनसे सही तरह से बात नहीं कर रहे हो, उनको परेशान किया अपने बात ना करके, तो ये लड़ाई झगड़ा किया। तो इस सारी चीज़ों की क्लैरिटी उनको मिल जाएगी इन 72 घंटे में, ऐसी उनकी एनर्जी रहेगी। उनको लगेगा, उनको पता लगेगा कि आपका जो ईगो है वो आपको रोक रहा है उनसे बात करने में, और इसी चलते वो दुखी रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, और उनको ये भी पता लग जाएगा कि आप कब क्या कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो ऑनलाइन आपको स्टॉक करता रहता है, लेकिन आप उनको भी हो सकता है स्टॉक करते हो, लेकिन आप ईगो के कारण उनसे बात करना नहीं चाहते हो। आपके अपना ईगो बहुत बड़ा है, जिसके चलते वो थोड़ा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और ये सारी बातों की जो क्लैरिटी है वो भी उनको मिल जाएगा। ओवरऑल उनका दिमाग थोड़ा शांत रह सकता है। अब देखते हैं लियो, आपका खुद का क्या फीलिंग्स रहेगा आपकी पर्सन के लिए, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। लियो, आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी। लियो यानी सिंह राशि, आपका करंट फीलिंग्स क्या है आपकी पर्सन के लिए। द मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। लियो, आप भी तो दुखी हो, आप भी परेशान हो, आप चाहते हो कि वो क्यों कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, वो आपसे क्यों झूठ बोल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कोई झूठ कहा है, जिस झूठ का पता आपको है, और आपको ये भी लगेगा कि उनके पास ऑप्शन है, वो उस और भी ऑप्शन है, इसीलिए वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है, इसीलिए आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आपको ये लगेगा कि उनको एक सही डिसीजन लेना चाहिए रिश्ते को लेके, लेकिन वो क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं, इसके लिए आप थोड़ा दुखी रह सकते हो, परेशान रह सकते हो। आपको ये लग सकता है कि उन्होंने, एक तो उन्होंने आपसे झूठ कहा, दूसरा उनके पास हो सकता है ऑप्शन है, वो आपसे छुपा रहा है ये बात को। तो अगर ऑप्शन है इसमें, आपको लगेगा अगर उनको ऑप्शन है उनके पास, तो वो उनको एक डिसीजन तो लेना चाहिए, चाहे वो उसको चूज़ करे या आपको चूज़ करे, वो क्यों आपको लटका के रखा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको उनकी पूरी सच्चाई आपको पता है, या फिर पता चल गया है या चल जाएगा, तो इसके चलते आप थोड़ा दुखी रह सकते हो, परेशान रह सकते हो। हो सकता है आप नींद भी पूरी ना कर पाओ, आप रात को जागो, रो, परेशान रहो, क्योंकि आपको लगेगा कि जो बात आपको जाननी चाहिए थी
उन्होंने वही बात आपसे छुपाया है और उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अगर उनको कोई और पसंद है तो वो उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन सही डिसीजन तो उनको लेना चाहिए और सच भी बताना चाहिए, वो भी नहीं बता रहा है। तो इसके चलते आप थोड़ा परेशान दुखी रह सकते हो और आपकी रात का नींद जो है वो खराब हो सकता है। अभी देखते हैं क्या इन 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रहेगा, वो क्या करेगा, इन 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रहने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल का कार्ड। इन 72 घंटे में वो सोचेंगे रिश्ते को एक अच्छी मुकाम पे ले जाना। वो चाहते हैं कि ना आप इस रिश्ते से गिव अप करो, ना वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस रिश्ते पे मेहनत करना। इन 72 घंटे में उनका यही एनर्जी रहेगा, वो चाहेंगे रिश्ते पे मेहनत करना। अगर इसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़े हफ्ता महीना, वो इंतज़ार करेंगे। थोड़ी देर अगर लगता है रिश्ता सही होने में तो भी वो इंतज़ार करेंगे, लेकिन वो इस रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहते हैं और आपको भी गिव अप करना देना नहीं चाहते। मतलब वो ये सोचते हैं कि आप भी गिव अप ना करो, आप भी इस रिश्ते पे मेहनत करो, और वो भी मेहनत करना चाहेंगे और वो चाहेंगे इस रिश्ते को एक नई तरह से शुरू करना, जीरो से शुरू करना, जो हो गया सो हो गया, अब नई तरह से रिश्ते को सोचना और रिश्ते को शुरू करने के लिए वो सोचेंगे। ये 72 घंटे के लिए उनका यही फीलिंग्स रहेगा कि रिश्ते से गिव अप ना किया जाए, रिश्ते को छोड़ा ना जाए। हो सकता है हर रिश्ते में थोड़ी बहुत मनमुटाव होते रहते हैं, परेशानी आता है, अगर इसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़े आपके साथ रिश्ता रखने के लिए तो वो इंतज़ार करेंगे। भले ही आपको लगे कि उनके पास ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी वो आप ही से प्यार करते हैं कि क्योंकि आपका जो नेचर है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो वेट करना चाहेंगे, वो रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, अपने आप पर मेहनत करना चाहेंगे, रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहेंगे। और वो भी ये भी चाहते हैं कि आप भी गिव अप ना करो, इसीलिए मेहनत करके रिश्ते को फिर से शुरू करने के बारे में वो सोचेंगे। वो सोचेंगे आप दोनों का रिश्ता जैसा पहले था वैसे फिर से शुरू हो जाए, इसके बारे में वो ज़रूर सोचेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे या फिर ब्रेक लिया था आप दोनों ने, तो आपको पहले ये चाहिए रिश्ते में बैलेंस लानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों से ये रिश्ता सही नहीं हो रहा है तो आप किसी बड़ों की सलाह लीजिए, गुरु की सलाह लीजिए, गुरु की शरण में जाइए। गुरु ही आपको सही मार्ग दिखाएंगे, गुरु ही आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, आपको अभी थोड़ा स्पिरिचुअल हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, थोड़ा चैंटिंग करना, मंदिर जाना, तो आप लोगों में जो मानसिक शांति है वो वापस आ जाएगा। आप लोग जो अस्थिर हो, और आप लोगों को रिश्ते में बैलेंस भी करनी चाहिए, और आप जो अपना इमोशन है एक दूसरे के लिए, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी उनसे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अपना इमोशन को अभी आपको जैसे आपने कंट्रोल करके रखा है इन दिनों, उस तरह से उसको कंट्रोल कीजिए और रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो है कि आप लोगों की अभी जो ज़रूरत है वो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअल लोगों से मिलना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, खुद को हील करना। और आपकी मन में जो परेशानी है, जो दुविधा है, जो दुख है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको गॉड की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि आपके रिश्ते में किस चीज़ की कमी से ये परेशानी बार बार आ रहा है, तो आपको बैलेंस करना चाहिए। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं
जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई कोई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन ज़रूर है, तो उन लोगों को, सबके लिए नहीं, उन लोगों को रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए। अगर आपको दोनों ही रिश्ता प्यारा है और दोनों ही रखना है तो बैलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी की पैसों की ज़रूरत है और किसी को आपका ज़रूरत है, तो जिसको जो चाहिए आपको वो बैलेंस करनी पड़ेगी, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान होना भी ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।